वेलकम टू स्टडी आई क्यू आई अमित वारी दि किलोर कभी कभी टीचर्स को मौका मिलता है टॉपिक्स के द्वारा कुछ पर्सनल शेयर करने का वी गॉट अ टॉपिक टूडे जिसमें मैं आपसे कुछ अपना पर्सनल शेयर करना चाहता हूँ सम पेंटिंग्स विच आई लाइक अ लॉट इट इज कनेक्टेड टू अवर टॉपिक सो वो पेंटिंग्स देखते हैं एंड देन वी विल डिस्कस मेरी टोटल सात पसंदीदा पेंटिंग मैं आपको दिखाता हूँ पेंटिंग्स जो आर्ट फॉर्म है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा इंटीमेट होता है जो दूसरे आर्ट फॉर्म्स है मूवीज म्यूजिक उसको ग्रहण करना उसको अप्रोच करना उसको फील करना सब सरल होता है वहां पर ज्यादा मीनिंग आप अटैच कर सकते हैं इट इज मोर अप्रोचेबल इसीलिए उसे मास एंटरटेनमेंट भी कहा जाता है पेंटिंग्स वेयर एज टेक्स ए लॉट ऑफ डेंस थिंकिंग टू गेट इन टू मोर ओवर इट इज अ वेरी वेरी इंटीमेट आर्ट फॉर्म पेंटिंग आपसे बात नहीं कर सकती है मूवी में आपको जो डायरेक्टर सोच रहा है जो एक्टर कैरेक्टर सोच रहे होते हैं वो सब पता चल जाता है सो यू हैव अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्ट टू गिव अ मीनिंग टू इट पेंटिंग में आप डायरेक्टली अपने आप से बात कर रहे होते योर सेल्फ इट इज द मोस्ट इंटीमेट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट आर्ट फॉर्म ये पहली पेंटिंग है मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है इस पेंटिंग का नाम है द गर्ल विद अ पर्ल इिंग ऑबवियस है नीदरलैंड्स की सबसे बेहतरीन पेंटिंग मानी जाती है ये इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग इसको बहुत देर तक अगर आप देखते रहेंगे तो जो वो चित्र में जो लड़की है उसकी जो गेज है वो आपकी आंखों से मिल जाती है इट इज लुकिंग राइट इनटू यू एक बहुत ही अमेजिंग पेंटिंग वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ द आर्ट इज दिस स्टारी नाइट इस पिक्चर का नाम है स्टारी नाइट विंसेंट वैन ने बनाई थी कुछ रात के समय आप कभी फील किया कीजिए कि मन में कुछ इस प्रकार के घुमाव कुछ आ रहे होते हैं कि सब कुछ कन्वर्जेंस हो रखा होता है इस फोटो को जब देखते हैं तो वो रात का कुछ ऐसा मौसम जो कि सुबह होने से पहले कुछ समय वन यू नो तो थ्री ए एम एग्जिस्टेंशलिज्म जब हिट करता है इट गिव्स यू समथिंग ऑफ दैट काइंड ऑफ फीलिंग इसके अलावा इसके बाद वाली वन ऑफ द फेवरेट फेवरेट पेंटिंग्स इज द स्क्रीम ये एक uh, इस पेंटिंग का नाम है द स्क्रीम पेंटेड बाय द मंच आपने कभी ना कभी जिंदगी में एग्जिस्टेंशियलिज्म जरूर महसूस किया होगा राइट द वेरी कंफ्यूजन कि व्हाट इज दिस लाइफ व्हाट इज हैपनिंग क्या मतलब है क्या अर्थ है और हम यहां क्यों है द जनरल एंग्जाइटी ऑफ जस्ट बीइंग लाइफ ये पिक्चर ये जो है ये पेंटिंग जो है ये वो रिप्रेजेंट करती है जस्ट दिस अंदर से एक ऐसी ड्रेड और एंजाइटी जो कि हम जब दुनिया को देखते हैं जीवन को देखते हैं तो अंदर से कुछ फील करते हैं दिस इज वन इस पेंटिंग का नाम है द मॉन्क बाय द सी अगर इस पेंटिंग को आप देखेंगे तो यू कैन इजीली गेज कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू योर इनसाइड लोनलीनेस पूरा का पूरा जो पेंटिंग का बैकग्राउंड है इट इज डोमिनेटेड बाई बैकग्राउंड एंड दी ओशियन इन दी बैकग्राउंड अकेला सिंगुलर कोई जिसका बहुत आसानी से हम देख नहीं सकते हैं कि वो कौन है क्या है कैसे है समथिंग कहीं कभी ना कभी वंस इन वाइल जब आप थोड़े से दुखी होते होंगे कहीं इसी प्रकार का कुछ अकेलापन महसूस करते होंगे एज इन की स्टैंडिंग इन दी ऑरनेस इन दी वास्टनेस ऑफ दिन एंड दूर से कोई पहचान भी नहीं पा रहा है कि कौन है ये भी सेम पेंटर कैस्पर फ्रेडरिक के द्वारा जिन्होंने पिछले वाली पेंटिंग बनाई थी द मॉक द सी इसका नाम है द दॉर बाय द सी इसमें भी इट इज अमेजिंग इन द सेंस कि ओशियन जो है वो बहुत ही ज्यादा उछाल मार रहा है इट इज वेरी एंग्री एट दिस मोमेंट वेव्स उठ रही है एंड द पर्सन इज स्टैंडिंग हम ये नहीं देख सकते उसका चेहरा कौन सा है वो चेहरे से वो खुश है इज इट इज इट इन द ड्रेड ऑफ द सी या फिर इज इट एक्चुअली हैविंग एन एक्सिलेशन वो बेसिकली मूविंग फॉरवर्ड देख रहा है कि इसको तो जीता जा सकता है इस समुद्र को विच इज वॉट वी फेस इन आवर लाइफ आने वाला समय इसी समुद्र के उफानों से भरा हुआ है उसमें से डर लगना ड्रेड होना या फिर उसको हम जीत पा लेंगे उसके ऊपर देखिए आप देखिए उसको समुद्र से ऊपर खड़ा हुआ है द वॉन्डर बाय द सी एंड मोर इंपॉर्टेंटली इट्स ए वॉन्डर पेंटिंग को जब कहा जाता है मतलब कि है है वो यहां पर आया ये उसकी डेस्टिनेशन नहीं है यहां से जाना है उसको ये पेंटिंग जापान की वन ऑफ कल्चरल है इसको कहते हैं द ग्रेट वेव अगर इस पेंटिंग को देखेंगे तो इट इज वन ऑफ द नेशनल ट्रेजर ऑफ इस पेंटिंग में बहुत कुछ देखने को है बट अगर इसको समझा जाए तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ ए जो लोग ओशियन के पास रहते हैं वो ओशियन को एक रिलीजियस टेरर से देखते हैं ओशियन दो प्रकार के काम करता है एक तो आपके लिए जीने का प्रबंध करता है फूड आपको प्रोवाइड करता है और दूसरा कई बार जब उसको गुस्सा आता है तो वो एकदम टेरराइजिंग हो जाता है दिस फोटो शोज यू द टेरर ऑफ द ओशियन विद द रिलीजियस टेरर जिसने भी पेंट किया है उसके अंदर वो फरवर था वो रिस्पेक्ट था उस ओशियन की महानता के लिए यहां पे इसके बैकग्राउंड में देखिए दिस इज माउंट फूजी जापान का नेशनल सिंबल है माउंट फूजी टेंटली वन इंटरेस्टिंग थिंग अगर आप देखें इसके अंदर जो वेव्स हैं अगर आप देखेंगे तो वेव्स आर लाइक क्लॉज वो मूव कर रही हैं आगे क्लॉज की तरह इन बोट्स की तरफ आपको नहीं लगता कि आपके जीवन में कुछ इसी प्रकार से हो रहा है आप समुद्र के थपेड़े में किसी तरह चल रहे हैं और जो वेव्स हैं वो आपकी तरफ क्लॉज की तरफ बढ़ रही हैं द क्वेश्चन हेयर इज दैट कि विल दीज बोट्स इन वेव से आगे निकल जाएंगे या नहीं निकल जाएंगी

उसके हाथ में एक बुक है ये कुछ पैड़ी चावल के वो धान है एक रुद्राक्ष माला है एंड देन देर इज समथिंग रिलेटेड टू अ वाइट क्लोथ अगर हम देखें अगर आप देखेंगे ये की सारे के सारे कल्चरल आइकन्स है कल्चरल इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इन सब का सिंबल था और स्वदेशी मूवमेंट की तरफ बढ़ने वाले जब उसी समय स्वदेशी मूवमेंट और बंगाल का पार्टीशन हो रहा था आर्ट और पॉलिटिकल और सोशल सब कुछ एक जगह पर होता है और आर्ट प्रमोट करती है उसी चीज को आज जो आप भारत माता के बारे में सोचते हैं वो इस जेनेसिस इस पेंटिंग के जेनेसिस की वजह से वो इमेज और वो कल्चरल कॉन्सेप्ट बनता गया पेंटिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट दे आर डेंस बट दे हैव एन इंटीमेट कॉन्वर्सेशन विद यू इन केस यू ट्राई टू डू सो चलिए अब आज के टॉपिक पे आ जाते हैं ये तो हो गई मेरी पसंदीदा पेंटिंग सात पेंटिंग ये वाली पेंटिंग द कॉन्सर्ट ये पेंटिंग हम आज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दिस पेंटिंग इन और आज तक ये वापिस नहीं मिली है इस पेंटिंग की कीमत है फिफ्टी मिलियन डॉलर याद रखिए कि 100 मिलियन डॉलर अर्थात 700 करोड़ रुपए होते हैं यानी 2000 करोड़ रुपए की पेंटिंग का प्राइस है खरीदना होगा तो 2000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में है इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस का नाम सुना होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है आईडी आर्ट आईडी आर्ट ये जो ऐप है ये इसी प्रकार के स्टोलन पेंटिंग्स और आर्टिफिक का एक डेटाबेस बना के तैयार किया हुआ है अगर आप कहीं पर भी कोई पेंटिंग देखते हैं तो आप इस पर अपलोड कर सकते हैं केस दैट इज स्टोलन तो वो इंटरपोल आपको इमीजिएटली इन्फॉर्म uh, कर देगा बावन हजार से भी ज्यादा आर्ट और आर्टिफैक्ट्स जो हैं पूरे के पूरे विश्व में से स्टोलन हैं जिनका डेटाबेस इस समय तैयार है और भी होंगे लेकिन अभी तक वो डेटाबेस में एडेड नहीं है जिनके डेटाबेस में वो एडेड है वो बावन हजार इसमें डेटाबेस में है जब भी आप कुछ डालेंगे मैं आपको सीधा ऐप दिखाता हूं कि ये ऐप कैसे काम करती है एंड हाउ डज दिस वर्क देखिए आई आर्ट आप खोलेंगे तो दिस इज हाउ इट विल ओपन इट फ्रंट ऑफ यू आप देखेंगे इंटरपोल है यू एक्सेप्ट दी प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ इट आपको कुछ कुछ वो इंफॉर्मेशन देगा कि एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट साइट कार्ड किस प्रकार से बट जैसे ही आप इसके अंदर जाते हैं आपके पास पूरा का पूरा डेटा बेस है कौन कौन से आर्टिफिक्ट और कौन कौन सी पेंटिंग्स बेसिकली चोरी की हुई है इस समय मिसिंग है पुलिस इज स्टिल लुकिंग फॉर दैट जो अगर आप कोई पेंटिंग देखें तो आप उसकी फोटो अपलोड कर सकते हैं इट विल मैच विद द डेटाबेस वो इमीडिएटली बता देगा कि उसके बारे में जो भी जानकारी होगी लेकिन आप इस समय जो देख रहे हैं दे ऑल आर आइटम्स एंड स्टोलन आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द इंडिया देखिए एक देखते हैं हम सबसे पहले भैरव की इमेज के ऊपर जाते हैं वी गो फॉर इट ठीक है अब दिस इज अ भैरव इमेज स्कल्पचर है स्टैचू है सारी की सारी देखिए आप फोटो देख सकते हैं आई होप सो स्कल्पचर इट इज एशियन गॉड ऑब्वियसली वो भैरव है इरेगुलर है इनकी डायमेंशन पूरी की पूरी मैंशनड है इंफॉर्मेशन दी है इट इज अ फोर हैंडेड इमेज ऑफ भैरव इन डांसिंग एटीट्यूड ऑन ए कॉप्स वीयर जटा ऑन इज हेड एंड ऑर्नामेंटेड विद ईयरिंग्स इंडिया से ये चोरी किया गया है ये मालूम नहीं है कहाँ पे है और देखिए गणेश गणेश की एक पुरानी कोई फोटो जो कि आर्टिफैक्ट है एक एंशियट आर्टिफैक्ट है इट हैज बीन स्टोलन वी डू नॉट नो वेयर इट इज एंड दिस गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडियन आर्टिफैक्ट्स विच हैव बीन स्टोलन और नहीं पता है शिवा पार्वती का कोई एक एक एंशंट है ग्रुप ऑफ फिगर्स शिवा एंड पार्वती सो दिस इज हाउ दिस ऐप इज एक्चुअली गिविंग इन्फॉर्मेशन अब देखिए श्री रघुनाथ जी आइडल ऑफ द श्री राम लॉर्ड रामा इसमें ये पूरा का पूरा हिस्टोरिकली पता नहीं है कि ये श्री रघुनाथ जी का आइडल है या फिर डायरेक्टली लॉर्ड राम को रिप्रेजेंट करता है 1600, 400 साल पुराना है इट इज स्टोलन ये एक डेटाबेस में इंक्लूडेड है नंदी भगवान शिव की जो क्या नाम है भगवान शिव जी के साथ एसोसिएटेड होता है नंदी द सेक्रेड काउ दिस हैज अगेन दिस इज ऑल ऑफ जो हम सारे के सारे जो देख रहे हैं इसके अंदर ऑल ऑफ देम आर दी वन स्टैंडिंग फिगर्स ऑफ दी विष्णु इनकारनेशन तो आप इसमें से ये देख सकते हैं कि हमारे इतिहास के कौन कौन सी जो हमारी ऐतिहासिक संपदा है जो सांस्कृतिक संपदा है उसमें से कौन कौन सा इस समय स्टोलन है एंड द पुलिस इज एक्चुअली स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑफ इट सीटेड विष्णु एंड अ लॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस आर्ट एंड कल्चर से संबंधित इसमें बहुत सारी सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन सबके बारे में आपको पढ़ने को भी मिलेगा मुर्गन आइडियल शिवागमी आइडियल दीप लक्ष्मी आइडियल गॉडेस सरस्वती शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं शिक्षा की क्लास चल रही है तो आपको गॉड सरस्वती के बारे में जान ही लेना चाहिए फोर आर्म्ड सीटेड स्कल्पचर ऑफ गॉड सरस्वती होल्डिंग वीना इन हर अपर लेफ्ट हैंड कमंडल इन हर लोअर लेफ्ट हैंड अक्षमाला इन लोअर राइट विच इज इन वरद मुद्रा एंड लोटस इन अपर राइट हैंड सी सीटेड इन ललितासना ऑन अ राउंड पेडेस्टल इन हैवीली ऑर्नामेंटेड विद बैंगल्स आर्ट एंड कल्चर में यह जानना जरूरी होता है कि सरस्वती के पास जो चारों हाथों में ये चीजें हैं यही चार क्यों हैं इस मुद्रा का मतलब क्या है वरद, वरद मुद्रा में क्यों है वो अपर राइट हैंड में लोटस है ललितासना में क्यों बैठे हुए हैं दिस इज वट द इंफॉर्मेशन एक्चुअली टेक्स्ट सो दिस इज वट द आई डी आर्ट इज ये आई डी आर्ट है एंड दिस विल गिव यू डेटा बेस ऑफ आइटम्स और उसके साथ साथ आप जो कोई भी अगर आप आर्ट के थ्रू आते हैं यू कैन अपलोड दैट फोटो ओवर देयर जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो चोरी की गई है या नहीं की गई है ये नई मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। इट इज डाउनलेडेबल ऑन द एंड्रॉइड ऑन दस टूल अथॉरिटीज विल हेल्प रिकवर लॉस्ट आर्टवर्क एंड प्रिवेंट ट्रेफिकिंग जब इसका पायलट लॉन्च किया गया था तो चार पेंटिंग्स और चार, दो मतलब दो तीन आर्टिफैक्ट्स और पेंटिंग्स कुछ रिकवर भी कर दिए गए हैं इफ द वर्क अपीयर्स टू मैच रजिस्टर्ड स्टोलन वर्क द ऐप शोज यूजर्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लॉस्ट पीस एंड प्रॉम्स टू रिपोर्ट द आइटम टू द इंटरपोल विद पॉप अप बैनर ऑब्वियसली ये उनके लिए है जो लोग आर्ट में डील करते हैं जो आर्ट आर्ट खरीदते हैं अब कई बार पता नहीं होता है कि आपको चोरी हुआ चोरी किया हुआ माल बेचा जा रहा है या नहीं बेचा जा रहा है ऐसे समय में दिस एप माइट एक्चुअली हेल्पफुलींच पर अपलोड कर देंगे इट विल मैच इट विदावे एक्चुअली गिव यू द इफॉर्मेशन दट वट यूर बाइंग वट यूर लुकिंग एट इट इज स्टोलन आर्ट इफेट और नॉट और अगर स्टोलन है तो दास्ट यू टू रिपोर्टेड टू द इंटरपोल तो एनी वन विद स्मार्टफोन कैन इंस्टेंटली चेक इफेक्ट पीस इज रजिस्टर्ड एज मिसिंग ऑन दियर मोबाइल फोन और नॉट

ऑफ इलीगल आर्ट जो होता है इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इलीगल मार्केट्स इन दी वर्ल्ड कोई ना कोई आपने मूवी में देखा होगा इंटरनेट हॉलीवुड की मूवी या बॉलीवुड मूवी में जिसमें आर्ट स्कल्पचर को चोरी करने का कुछ प्लॉट होता है महंगी होती है यूनेस्को एस्टिटेड इज वर्थ नियरली टेन बिलियन डॉलर एनुअली इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू एस्टिमेट हाउ मच मनी द ब्लैक आर्ट मार्केट हैंडल्स मतलब इतना ज्यादा है आप सोच के देखिए एक पेंटिंग जो कि ढाई सौ मिलियन डॉलर की है यूजली ये जो आर्ट का जो धंधा होता है जो कालाबाजारी होती है ये बेसिकली मनी लॉन्डर करने के लिए होती है क्रिमिनल एंड टेररिस्ट ग्रुप्स ऑफ्टन टर्न टू इलीगल आर्ट मार्केट टू हेल्प फाइनेंस फाइनेंसियर एक्टिविटीज एंड लॉन्डर मनी होपफुली दिस विल पुट सम काइंड ऑफ एंड टू इट अगर आपको आर्ट के बारे में इंटरेस्टेड है अगर आपको और पेंटिंग्स के बारे में जानना है जो कि मैंने आपको सात पेंटिंग्स दिखाई थी तो मेरे सोशल मीडिया पे जरूर कनेक्ट कीजिएगा एंड इफ यू नीड ऑल दोज पेंटिंग्स एज ए पी डी एस सो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल आप इस पर जाइएगा एड शेयर दैट टेलीग्राम चैनल वो सातों की सातों पेंटिंग्स में आपको साथ अलग शेयर करता हूँ हैव अ लुक एट दैम स्लोली स्लोली यू माइट एक्चुअली स्टार्ट एनजॉइंग लुकिंग एट द ग्रेट ऑफ पेंटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड इंडियन एंड द इंटरनेशनल बोथ आई एम प्री श्योर यू लाइक दिस वीडियो आई वुड लाइक टू हियर हाउ दिस वीडियो वॉज इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आई एल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास